हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति। कल मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल टूर का पार्ट वन आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज मैं पार्ट टू शेयर करूंगी। कल मैंने पार्ट वन में फर्स्ट टू कंपार्टमेंट्स आप लोगों को दिखाए थे और आज मैं लास्ट के टू कंपार्टमेंट्स दिखाऊंगी आपको। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इन्जॉय कीजिए तब तक। आप देख सकते हैं एक ये जो ऑर्गेनाइजर्स आप देख रहे हैं, ये सब मैंने एक ये 1, 2, 3, ये छोटा 4 और 5, ये सब मैंने दिवाली के टाइम ही लिए थे अपने ड्रेसिंग टेबल को स्पेशली ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे काफी दिक्कत होती थी इतना सारा सामान रखने के लिए। और ये मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिल गए थे उस टाइम। और ये मैंने और भी कलर से, बट इसमें ये मैंने ब्राउन कलर में लिया क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल का कलर भी ऐसा ही है, चॉकलेट ब्राउन, तो इसी से मैच करते हुए मैंने यही कलर लिया। और अब इसमें देख सकते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 रोज हैं। इनमें मैंने कुछ मल्टी कलर की रबर्स रखी हुई है, इनको सेफ्टी पिन में डाला हुआ ताकि इधर उधर बिखरे नहीं। और ये कुछ लिप लाइनर्स हैं, काजल हैं, ये सब मैंने इसी में रखे हुए हैं। ये लिप लाइनर्स है, ये ब्लू आई लाइनर पेंसिल है, काफी अच्छा कलर है ये भी ब्लू। ये ब्राउन आईब्रो पेंसिल है और ये प्लम का काजल है। ये ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल है जो मैंने अभी नई ली थी। और ये एक स्केच आईलाइनर है। और पीछे ये एक मिरर है, ये मिरर है। और पीछे कॉम्स रखे हुए हैं। ये एक एक्स्ट्रा टूथब्रश थी, वो भी मैंने यहाँ इसी में रख दी। ये अर्ज का कॉम है छोटा, और ये बाकी तीनों मेरे हैं। ये छोटे वाले हैं और ये बड़े वाला। मैं मोस्टली यही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे बाल टूटने का डर नहीं रहता, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, यही यूज़ होता है मेरा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ सिर्फ ये रखे हुए हैं। इसके बाद इसको हटाते हैं, पहले ये दिखा देती हूँ। इसमें ये क्लचर्स हैं, कुछ छोटे बड़े सब तरह के हैं, सारे कलर्स के हैं, रेड, पर्पल, वाइट, येलो, ग्रीन, ये बड़ा है, ब्लू ये है। तो इसमें सारे जो छोटे क्लचर्स थे वो तो मैंने ये इसमें रखे हुए थे इस बॉक्स में, और जो बड़े वाले हैं सारे वो सब इसमें आए हुए हैं। ये भी मैंने स्पेशल क्लचर्स के लिए ही लिया था। अब इस बॉक्स की बात करते हैं। ये इयररिंग्स थे इसमें, बट मैंने अभी उसमें हैंग कर दिए ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें मैसी हो जाते थे सारे, तो मैंने उसमें हैंग कर दिए, तो यहाँ थोड़े कम हो गए। अब यहाँ सिर्फ यही टॉप डालने वाले हैं और छोटे हैं। अब ये खाली है बॉक्स, इसमें और भी कुछ सामान आ सकता है। अब सोचूंगी मैं और क्या रख सकती हूँ इसमें। और ये कुछ पार्टी वियर इयररिंग्स हैं, इनको मैंने अलग रखा हुआ है, इनमें मिक्स नहीं किया, ये इस बॉक्स में रखे हुए हैं। ये पार्टी वियर इयररिंग्स हैं, ये हैं। इसके बाद ये टू बॉक्स हैं, ये भी ज्वेलरी सेट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट है पार्टी वियर, ये गोल्डन में है। और एक ये है सिल्वर में, फटाफट से दिखा देती हूँ। ये मैं ऐसे ही ऊपर से, ये सिल्वर में है, एक गोल्डन है, एक सिल्वर है। ये बॉक्स है, ये ओपन है, इसमें कवर नहीं आया था साथ, ना इसमें छोटे में आया था, ये कवर वाले हैं, तो मुझे दोनों ही सही लगे, विद कवर भी और विदाउट कवर भी। इसमें देख लेते हैं फटाफट से इसमें क्या है। इसमें है मेरा मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स, जो कि मेरा सबसे फेवरेट बॉक्स है ये। मैं जब मेकअप वीडियोस बनाती हूँ तो यही लेके बैठती हूँ। ये मैं बता देती हूँ फटाफट से क्या है इनमें। ये वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो किट है, ये हिलेरी रोडा की आई शेडो किट है, ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट है, पिटनी का कॉम्पैक्ट है, ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लशर है, ये हाइलाइटर पैलेट है, ये फिटमी का फाउंडेशन है, ब्लू हेवन का मस्कारा है, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये NYBA की कंटोर स्टिक है ब्राउन कलर में, ये लैक्मे 95 की सीसी क्रीम है, ये स्विस ब्यूटी की का लिक्विड आई शेडो है,
स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो है ये, और ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, ये एनवाई बे का प्राइमर है, ये ओलिविया की पेन स्टिक है। तो इसमें यही है और ज़्यादा नहीं है मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स उसके बाद, क्योंकि मेरे यही नहीं ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं बहुत कम करती हूँ मेकअप। उसके बाद बात करते हैं इस बॉक्स की, उसके बाद इस बॉक्स में देखते हैं क्या है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें ये इसमें भी ये छोटे मोटे ज्वेलरी हैं, जैसे सेट है ये छोटे वाले, ये सिल्वर में है छोटा सेट, एक ये है, तो ये सब मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। और ये रिंग है बड़ी, ये है कि वाइट में है, ये कुछ हेयर पिंस हैं, ये है एक, ये है, ये है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा सामान है कुछ। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन पर, ये एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट पाउच है ये, और इसके अंदर और भी दो तीन पाउच हैं, तो वो मैं अभी दिखाती हूँ। एक ये बॉक्स है, एक ये इधर चूड़ियों के डिब्बे हैं तीनों, और ये दिखा दे, इसमें ये एक चॉकलेट का डिब्बा है जो कि दिवाली पर आया था, इसमें चॉकलेट्स आई थी दिवाली पर, बट ये मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें रख ली हैं, ये ऐसे राउंड शेप में हैं। और एक ये बैंगल बॉक्स है, बट ये अभी खाली है क्योंकि इसका ये टूट चुका है इसका ओपन करने का, तो ये अभी खाली, इसमें मैंने कुछ नहीं रखा हुआ, वैसे ही कहीं जाते हैं तो तब काफी यूज होता था इसमें बैंगल्स कंगन वगैरह रख के, और बैग में रखकर ले जाओ, इजीली कैरी किया जा सकता था ये बैग में, बट अब ये टूट चुका है तो यूज नहीं होगा। उस ये थोड़ी हैवी बैंगल्स हैं, ये मेरे लहंगे की हैं, वैसे तो ये चूड़े का डिब्बा है बट मैंने इसमें शादी वाली बैंगल्स रख ली क्योंकि चूड़ा प्लास्टिक का है, तो वो मैंने दूसरे बॉक्स में रख लिया। ये इसमें एक ये रिसेप्शन वाले लहंगे की चूड़ियां हैं, ये शादी वाले लहंगे की चूड़ियां हैं, वाइन कलर का लहंगा है मेरा तो ये उसकी चूड़ियां हैं। और एक लास्ट ये बॉक्स है, इसमें भी ये ग्रीन कलर की पैरेट ग्रीन साड़ी की चूड़ियां हैं, तो ये थोड़ी हैवी पार्टी वियर चूड़ियां हैं, तो इसे मैंने यही रखी हुई है तीनों बॉक्स। उसके बाद एक ये है, ये भी चॉकलेट का बॉक्स है, इसमें देख सकते हैं आप जंग लग गया है, खराब हो गया है ये, इसमें मैंने चूड़ा रखा हुआ है जो कि इस बॉक्स में था चूड़ा, बट इसमें मैंने चूड़ियां रख ली और ये चूड़ा मैंने इसमें रख लिया क्योंकि ये अब यूज नहीं होता, मैसी हो रखा है सारा सेट। इसको बाद में देखते हैं, पहले मैं ये दिखा देती हूँ। इसमें कुछ ये प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, कंगन रखे हुए हैं जिनमें मैंने कंगन के बॉक्सेस रखे हुए हैं, इनमें मैंने सारा, पहले इसमें मेरा मेकअप का सामान था बट मैंने अब मेकअप का सामान इसमें शिफ्ट कर दिया है, तो इसमें मैंने ये सारे कंगन्स रख लिए हैं। ये एक गोल्डन कलर की आर्टिफिशियल चूड़ियां हैं जो काफी चूड़ियों का ये पूरा सेट था, ये इस टाइप की, ये सब कंगन हैं, इनकी वीडियो भी मुझे पे अपलोड करनी है। ये कंगन हैं, ये सब ये जर्किन की चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां गोल्डन कलर में, और बाकी ये सब कंगन हैं। इनको रख देते हैं वापस। अब देखते हैं मेन ये पाउच इसमें क्या है। ये जो इसमें ये पाउच है, इसमें सारी रबर्स हैं, कुछ ये मैंने इधर रखी हुई हैं रबर्स, और ऐसी ये पहले की हैं, वो नई हैं, ये पहले की हैं, ये भी मल्टी कलर की रबर्स हैं, छोटी बड़ी सब है इनमें। और फिर इसमें ये एक ट्रांसपेरेंट पाउच है, इसमें सारी बिंदीज रखी हुई हैं जो कि आराम से देख सकते हैं जो भी चाहिए होती है, और इसको कहीं लेकर भी जा सकते हैं बैग में, थोड़ा बहुत इसमें मेकअप का सामान भी लेकर जा सकते हैं। एक ये है, इसमें सारे हेयर हैं, जैसे कि इसमें सारी हेयर एक्सेसरीज हैं, जैसे ये हेयर बैंड की तरह, ये जूड़े के साइड में लगाने वाला, ये आर्टिफिशियल गजरा है, हेयर बन है आर्टिफिशियल, और ये आर्टिफिशियल बालों की रबर है, जैसे जिनके कम बाल होते हैं
हल्के होते हैं बाल, तो जूड़े में ही ऊपर से ये डाल लो। तो इसमें यही यही चीजें हैं, इसमें हेयर एक्सेसरीज हैं, बिंदी हैं और ये रबर का पाउच है ये इसमें। तो बस हमारा ये सेक्शन भी फिनिश हो गया है। अब वापस ऊपर चलते हैं और डोर को क्लोज करते हैं। तो ये हैंडल है, ये टूट चुका है। तो पहले मेरा बेटा, पहले मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती थी सामान, क्योंकि मेरा बेटा जब इसका हैंडल था तो मेरा बेटा इसको फटाफट से खोल के और सारा सामान गिरा देता था। तो मैंने सारा सामान इकट्ठा करके और कहीं रखा हुआ था, बट जब से ये टूटा है तो मैंने वापस इसमें ही रख दिया सारा सामान, क्योंकि अब उससे ये खुलता नहीं है, इसका हैंडल नहीं है। अभी लगवाएंगे ये, तो इससे वैसे कोई सामान नहीं निकाल पाता। और उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे ड्रॉर्स पर। यहाँ पर ये दो ड्रॉर्स हैं, एक ये बड़ा है, लेकिन इन और इनके भी हैंडल जो है टूटे हुए हैं, सबके एक साथ ही टूटे थे। ये मेन डोर का भी, ड्रॉर का भी, ये भी और ये भी, तो सबके हैंडल्स निकले हुए हैं जो कि अभी लगवाने हैं। और तब इन्हें बड़ी दिक्कत होती है ओपन करने में, साइड में यहाँ से कुछ शार्प चीज लेकर तब खोलना पड़ता है, उससे यहाँ स्क्रैच भी हो गए हैं साइड में। ये मैं दिखा देती हूँ आपको ओपन करके। इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ क्योंकि इनको ओपन करने में दिक्कत होती है, तो बस थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा सामान इनमें। इनमें ये है, ये मेरा छोटा सा ट्राइपोड है, अभी यही है मेरे पास। और ये सब मैंने यहाँ पतंजलि के बॉक्स रखे हुए हैं जिनमें मैंने ये कुछ सामान डाला हुआ है, जैसे ये है बेसन है इसमें, ये सब फेस पैक बनाने के लिए यूज होते हैं। और ये है ऑरेंज पील पाउडर है, ये मसूर की दाल का पाउडर है, ये चंदन पाउडर है और ये मुल्तानी मिट्टी है, और ये है पतंजलि का कोकोनट ऑयल, और एक ये मेहंदी में मिक्स करने के लिए आंवला पाउडर है पतंजलि का ही। तो आपको मेरे पास फेस वॉश, स्क्रब, फेस पैक ये सब रेडीमेड देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बाहर की चीजें बहुत ही कम यूज करती हूँ। मैं DIY ही यूज करती हूँ ज्यादा, ऐसे ही दही, बेसन, मुल्तानी मिट्टी ये सब चीजें मिक्स करके मैं गर्मियों में अप्लाई करती हूँ, जैसे इनमें दही मिक्स करके और हल्दी। तो इसी तरह अलग अलग चीजें मैं डेली यूज करती हूँ, इनसे ही मैं फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद नीचे मैं इसको ओपन नहीं कर सकती क्योंकि ये जब से टूटा है तब से ही लॉक है ये। तो मैं क्या करती हूँ, इसको निकाल के पूरा, इसको बाहर निकाल के पूरा, तब अंदर हाथ डाल के तब अगर कुछ लेना हो तो वो लिया जा सकता है, अदरवाइज ये यूज नहीं होता ज्यादा। इसमें ऐसी चीजें रखी हैं जो यूज नहीं होती, तो लेकिन जब भी अगर वो चीज भी लेनी होती है तो इसको निकाल के पहले पूरे को, फिर उसके अंदर हाथ डाल के तब यहां तक पहुंचा जा सकता है अंदर तक, क्योंकि बाहर से ये लॉक्ड है। तो इसलिए ये दोनों ड्रॉर्स तो मेरे बहुत कम यूज होते हैं, बट अभी गर्मियों में यूज होंगे ये, क्योंकि इसमें ये सारे DIY पाउडर हैं तो अब यूज होंगे। तो बस यही है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।